गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मुमरा के लोग अंधे, मैं उनको गाली गलौज करूं, कुछ भी करूं, मुमरा वाले चाहिए तो फिर मैं उसको समझूंगा सच्चा मर्द है करके। शिवसेना को भी खत्म किया है और राष्ट्रवादी को भी खत्म किया है संजय राउत, उसको कुछ अक्ल है ही नहीं है। इतना शिंदे सीएम बने तो किसको तकलीफ है, यहाँ का विधायक शिवसेना का हमेशा तैयार ही रहते। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के शंकर मंदिर के सामने ही शिवसेना शाखा जो थी वहाँ पर मौजूद है। दरअसल अब ये शाखा शिंदे गुट की हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है कि 11 नवंबर को यहाँ पर उद्धव ठाकरे आने वाले हैं, जिसको लेकर मुमरा शहर में काफ़ी हलचले तेज हो गई है। वहीं शिंदे गुट के तरफ से भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के सीएम या फिर श्रीकांत शिंदे, इन दोनों में कोई भी यहाँ पर विजिट कर सकता है। तो दरअसल ये जानने की कोशिश करेंगे हम राजन कीने से कि जो एकनाथ शिंदे या फिर श्रीकांत शिंदे, इनका विजिट कब होने वाला है मुमरा शहर में। यहाँ पर जो शाखा आप यहाँ पर अब काम चालू किया गया है, लेकिन इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर 11 तारीख को आने वाले हैं। और साथ में ये भी शहर में हलचले तेज है कि या तो महाराष्ट्र के सीएम या फिर श्रीकांत शिंदे यहाँ पर आएंगे। तो दरअसल सीएम और श्रीकांत शिंदे, इन दोनों में कौन आने वाला है और कब आएंगे? क्या है कि ये लोकशाही है, लोकशाही में कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो जैसा आपने कहा कि 11 तारीख को यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब आ रहे हैं, तो और यहाँ पर तुम्हारे पार्टी के कौन आएंगे? अभी देखो, ऐसी तो हमको ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ है उनको यहाँ पर बुलाने की, क्योंकि उनको जवाब देने के लिए हम काफ़ी है। और यहाँ पर सुना गया है कि 11 तारीख को उद्धव ठाकरे आ रहे, तो वो उनके पार्टी के कार्यकर्ता या उनके जो ये लोग हैं उनका हौसला अफजाई करने के हिसाब से आ रहे हैं। और वो आ भी रहे नहीं आ रहे इसकी कोई कंफर्म ये न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ ट्वीट किया गया है। और ये ट्वीट किसके माध्यम से किया गया है कि जो दोनों पार्टियों को ख़त्म किया है, शिवसेना को भी ख़त्म किया है और राष्ट्रवादी को भी ख़त्म किया है, ऐसे आदमी ने ट्वीट किया है, उसका नाम है संजय राउत, उसको कुछ अक्ल है ही नहीं है। वो आपको मालूम होगा किसके माध्यम से ये ट्वीट किया गया हो। मुमरा के हर जो छोटा मोटा जो कार्यकर्ता है, जिसको थोड़ी भी राजनीति की जानी है, ऐसे आदमी को अगर पूछेंगे तो ये ट्वीट किसके माध्यम से किया गया, तो वो बोलेगा यहाँ का विधायक है ना, इसके माध्यम से ट्वीट किया गया। अभी यहाँ के सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ, एकनाथ शिंदे सीएम बने तो किसको तकलीफ है, यहाँ का विधायक, क्योंकि उसको ये बात हजम ही नहीं हो रही अभी तक कि एकनाथ शिंदे अभी तक सीएम बने हुए, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको हुई है। और यहाँ अभी आपको मालूम है कि मुमरा की राजनीति में अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होती है, तो यहाँ का विधायक उसको होती है, क्योंकि अभी उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है अभी वो। लेकिन आप तकलीफ़ की बात करें तो उनको क्यों तकलीफ़ होगा, विधायक को क्यों तकलीफ़ होगा और किस वजह से होगा? अरे उसको तकलीफ़ बोले तो आज मुमरा का आप माहौल देख रहे हैं कि मुमरा के माहौल में वो जो पहले का जो माहौल था 2009 का माहौल था और आज का माहौल, उसमें आप कहीं ना कहीं अगर तालमेल रखेंगे और कहीं उसका अगर जायजा लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2009 में और आज यहाँ का विधायक कहाँ है। तो आपको इसकी वजह से उसको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। पहले ऐसा था कि उसको कोई विरोध में नहीं था, उसको ऐसा लगता था कि सब मुमरा के लोग अंधे, मैं उनको गाली गलौज करूं, कुछ भी करूं तो चलता है। मेरा उससे यही कहना है, उसको तकलीफ़ होती है, आपको मैंने बताया क्यों तकलीफ़ होती है। मेरा उससे यही कहना है कि जो मुमरा के लोगों को गाली गलौज करता है, मुमरा वाले चाची ऐसा बोलता है, आगे का वर्ल्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर वो नहीं बोला है तो उसको मैं एक बात बोलता हूँ कि उसने अपना जो ये है
नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए अगर उसने एनओसी दे दिया तो मैं उसको कुछ सवाल पूछूंगा मुमरा के बारे में कि मुमरा के बारे में उसने क्या क्या किया है, क्या क्या बोला है। अगर वो नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए अगर एनओसी देता है तो फिर मैं उसको समझूंगा कि वो सच्चा मर्द है करके। आप कह रहे हैं मुमरा वालों को गाली दिया, उन्होंने कब गाली दिया, ये कब की बात है, कब? ये समझो ना 2.5-3 साल पहले की बात है। एक मसले के ऊपर मैंने उनसे बात किया था कि ये ऐसा ऐसा है, तो उनको मैंने बोला मुमरा वाले का, तो बोलते मुमरा वाले चाय ची, और आगे का बात नहीं मैं बताता हूँ। लेकिन अगर उसने मेरे को एनओसी दे दिया तो उस टाइम पे आवाज़ क्यों नहीं उठाया? मैंने उसको आवाज़ उठाया था, बोला मैं भी मुमरा में रहता हूँ, मुमरा वाले क्या, मुमरा वाले की क्या आईची रस्तेवर्ती आले का बोलो, तुम ऐसा कैसा बोलता है, बोला मैंने ऐसा बोला था उसको। उसके उसके ड्राइवर और उसके बहुत सारे लोग वहाँ पर बॉडीगार्ड भी मौजूद थे, मैंने उसको उल्टा सवाल किया था। लेकिन जो 11 तारीख का ट्वीट हुआ है उसकी खबरें भी चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे यहाँ आने वाले हैं, तो उसको लेकर आप लोगों की किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं, क्या रणनीति तैयार की जा रही है आप लोगों की तरफ से? अभी क्या है कि हम लोग को कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, हम शिवसेना का हमेशा तैयारी रहते हैं, उसको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। और हमारी कोई वो शाखा पर ही आ रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, शाखा पर ही आ रहे हैं। तो ऐसा ये नहीं बताया ना कि मुमरा में कौन सी शाखा पर आ रहे, मध्यवर्ती शाखा पर आ रहे, संजय नगर शाखा पर आ रहे, कि राष्ट्रवादी की शाखा पे आ रहे हैं, वो नहीं बताया ना कौन सी शाखा पे आ रहे हैं। तो अगर वो हमको बताएंगे कि ये शाखा पे आए तो हमारे को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, हमारी तैयारी पहले से है और हमारा काम चल रहा है। हमारे जल्दी से जल्दी शाखा, हमारा टारगेट ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी शाखा काम तैयार करके जल्दी से जल्दी यहाँ पर लोगों को सेवा का मौका मिले, यही हमारा टारगेट रहेगा। अच्छा, और जो सीएम या फिर एकनाथ श्रीकांत शिंदे का आने का यहाँ पर चर्चा चल रहा है कि वो लोग भी आने वाले हैं, तो दरअसल वो लोग कब आने वाले? अभी उनका कैसा है कि वो यहाँ के एमपी है, लोकसभा के खासदार है, और वो अपने मतदार संघ में कभी भी कहीं भी जा सकते, तो वो आज भी आ सकते, कल भी आ सकते, कभी भी आ सकते, तो वो आएंगे तो आपको इत्तला कर दी जाएगी कि वो कभी आ रहे हैं, आपको बताया दिया जाएगा। ऐसा चर्चा है कि आज ही रात में आने वाले? हाँ, कोशिश तो है उनके आने की, तो देखते हैं अभी क्या। श्रीकांत शिंदे, हाँ, तो आपने सुना कि श्रीकांत शिंदे जो है उनका आज रात में आने का चर्चा मुमरा शहर में काफ़ी तेज़ी से है, लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने ट्वीट किया था और खबरें भी चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो मुमरा आने वाले हैं, दरअसल यही शाखा है और उद्धव गुट की ये शाखा थी और इसे जो है डिमोलाइज किया गया, शिंदे गुट ने इसे अपने ताबे में लिया और अब इसके जो है दोबारा इसके बनाने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राउंड प्लस वन ये जो है शाखा बनाई जाएगी। इसके अलावा जो राजन कीने हैं उन्होंने यहाँ के विधायक के ऊपर भी तंज कसते हुए उनके ऊपर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं।